Hello students, hope you all are good at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English grammar, and the book name is PC Rants. So this is chapter 21 and this is lecture 1 of 21 and the topic is interjections. Topics to be covered in this lecture, we will do explanation, rules, book exercises. So let's begin today's class. So students, today we will study about interjections. So what is interjection? An interjection is a word which expresses some sudden feelings or emotions. So interjection beta hamare wo words hote hain jo achanak hamare jo sudden feeling means achanak feelings aur jo emotions hote hain, okay, jaise kuch achanak hone wali bhavnaon ko vyakt karte hain, okay, express karte hain sudden feelings ko aur emotions ko. Like great, wow, hurrah, okay. So these are some examples. So these words are called interjections, okay. In words ko interjections bola jata hai beta. So इन्हें इंटरजेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेटा ये हमारे सडन फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं. जैसे कि आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिली है, ओके, सो आप कैसे बोलते हो? ग्रेट. एकदम अचानक से हमारे मुंह से जो हम रिएक्ट करते हैं वो एकदम ऐसे ही निकलता है, ग्रेट. ओके, आपने कोई अच्छी ड्रेस देखी तो आप एकदम क्या, आपके मुंह से क्या निकलता है? वाओ. आपने कहा जैसे इंडिया मैच जीत देती है तो जीत लेती है या जीतती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? हुर्रा या हुर्रे ऐसे बोलते हैं ना. सो ये एक सडन जो फीलिंग्स होती है, हमारी इमोशंस होती हैं, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एकदम शो करते हैं बेटा, ओके. An interjection is usually punctuated with an exclamation mark. ओके बेटा, जो ये हमारा ये मार्क होता है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है. ये हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स के लास्ट में हम यूज करते हैं, ओके, एंड में, ओके बेटा. सो इसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है, ओके. इट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड्स around it and mainly expresses feeling rather than meaning. For example, hurrah, we have won the match. Hurrah, हमने match जीत लिया है. Okay बेटा, so जो यहाँ पे hurrah word use हुआ है हमारा, okay, वो क्या show कर रहा है? वो हमारी happiness, joy की feelings express कर रहा है बेटा यहाँ पे, okay. और जो rest हमारा sentence है या statement है, we have won the match, okay. So अगर आप hurrah use भी करते हो तब भी उस हमारा जो ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उसका मीनिंग सेम रहेगा. अगर आप पूरा यूज़ नहीं करते हो तब भी बेटा हमारा इस स्टेटमेंट का, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, ओके. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट, ओके, एंड मेनली एक्सप्रेसेस फीलिंग रेदर देन मीनिंग. दीज वर्ड्स और फ्रेजेस कैन स्टैंड अलोन. सो बेटा इन वर्ड्स को, ओके, हम अलोन मीन्स अकेले भी यूज कर सकते हैं. दीज वर्ड्स कैन बी यूज एज सच इन नॉर्मल कन्वर्सेशन टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ओके. हम इन वर्ड्स को अकेले सिंगल भी यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए. लाइक अगर हम ऐसे बोलें उप्स, इट मीन्स आपसे इस वर्ड से ही पता चल जाता है कि आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, ओके. वाओ, सो इट मीन्स आपने कोई अच्छी चीज़ देखी है. सो हम सिंगल सिंगल वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें इसके लिए सेंटेंसेस मीन्स बोलें या फिर हम लगाएं या यूज़ करें, ओके. कोई स्टेटमेंट की नीड नहीं होती है क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं हम इन्हें सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, ओके. इनसे हमारी जो, हमसे वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो इमोशंस हमारे हैं वो हम स्ट्रॉन्गली शो कर सकते हैं इन सिंगल वर्ड्स से भी, ओके बेटा. सो नाउ आई विल शो यू सम इमोशंस लाइक सरप्राइज. फॉर सरप्राइज यू कैन यूज़ इंटरजेक्शन लाइक वाओ, व्हाट, ओ माय गॉड, अमेजिंग, ओके बेटा. सरप्राइज से आश्चर्य या फिर मीन्स कहते हैं ना अचानक से, ओके. नाउ ग्रीफ और पेन. ग्रीफ मीन्स दुख, शॉक, ओके. वो पेन के लिए बेटा आप यू कैन यूज इंटरजेक्शन लाइक अलास, आउच, ओ, ओके. सो ये दुख के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे कोई पेन हो या दुख हो या शॉक हो कोई, ओके. लाइक प्रेज, अप्रूवल. इमोशंस लाइक प्रेज एंड अप्रूवल. प्रेज मीन्स प्रशंसा और लाइक बढ़ाई, अप्रूवल, कोई परमिशन जैसे, ओके. सो यू कैन यूज इंटरजेक्शन लाइक
लाइक ब्रिलियंट, ब्रावो, वेल डन, एंड अप्रूवल के लिए लाइक प्लीज, श्योर, लाइक कैन आई हैव अ कॉफी, सो यू कैन से प्लीज, यस प्लीज, श्योर, ओके ओके. फॉर जॉय यू कैन यूज इंटरजेक्शन लाइक वाओ, ग्रेट, हुर्रे, यिप्पी, ओके. लाइक मिस्टेक मीन्स गलती के लिए यू कैन यूज इंटरजेक्शन लाइक ओह, ओप्स, शिट, नो, ओके ओके. डिस्कस्ट, डिस्कस्ट मीन्स कोई चीज मीन्स घृणा वाली, घिनौना वाली जो चीज़ होती है बेटा, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यक, अ, गैक, ओके. ग्रीटिंग्स के लिए, शुभकामनाओं के लिए जैसे हाय, हेलो, हे, ओके. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स सी दिस चैप्टर इन योर बुक. सो जस्ट ओपन पेज नंबर 82. So this is chapter number 21 and chapter name is interjections, which is on page number 82 beta. Okay, now let's read the following sentences. Hurrah, we have won the match. Hurrah, humne match jeet liya. Alas, the poor dog is dead. Bichara kutta mar gaya. Okay, bravo, well hit. Bravo, achhi tarah se mara. Ouch, you have stepped on my foot. आउच, आपने मेरे पैर पे पैर रखा है. द वर्ड हुर्रा एक्सप्रेसेस जॉय. जो बेटा जो हुर्रा वर्ड है वो हमारा क्या एक्सप्रेस कर रहा है? जॉय. ओके, जॉय मीन्स हैप्पीनेस, खुशी. द वर्ड अलास एक्सप्रेसेस ग्रीफ, मीन्स दुख एक्सप्रेस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे. ओके, द वर्ड ब्रावो एक्सप्रेसेस एडमिरेशन. एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा व्यक्त करना बेटा. द वर्ड आउच एक्सप्रेसेस सडन पेन, अचानक जो दर्द होता है बेटा आउच उसको एक्सप्रेस कर रहा है. सो वर्ड्स विच एक्सप्रेस जॉय, ग्रीफ और सच सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. सो दीज सेंटेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. बेटे इन सेंटेंसेज को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज भी बोला जाता है. वी पुट इन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर दैम. सो हम इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इनके बाद आप देखो ये जो मार्क लगा है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसलिए हम इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इनको बोला जाता है. ओके बेटा, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. हमारे बेटा ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं और इनके बाद में जो ये साइन होता है वो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और ये हर इंटरजेक्शन के पीछे लगता है. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स. सो बेटा यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है ऑलरेडी. ओके, आपको ये इंटरजेक्शन यूज करनी है इन फिलिप्स को कंप्लीट करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. डैश फिलिप ए, डैश वॉक क्वाइटली. सो जब हम कोई भी, या तो बेटा जैसे क्लासेस चल रही होती हैं तो आपको जैसे मैम बोलती है ना, चुपचाप चलो. ओके, वॉक क्वाइटली. सो वी विल यूज राइट डाउन वॉक क्वाइटली. ओके, नाउ बी डैश आई हैव बर्नड माई हैंड ऑन द केटल. सो हम कैसे, जब हमारा केटल से हाथ जल जाता है तो बेटा हम कैसे रिएक्ट करते हैं? आउच. सो वी विल राइट आउच. आउच आई हैव बर्नड माई हैंड ऑन द केटल. ओके, आउच मैंने मेरा जो हाथ है वो केटल से जल गया है. सी डैश इंडिया हैज़ वॉन. जब को मैम ने बताया ना आपको, जब कोई मैच जीतते हैं या फिर मेरा कोई भी गेम आपने जैसे जीता है या आप क्लास में फर्स्ट आए हो. ओके, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हुर्रा. हुर्रा इंडिया हैज़ वॉन. ओके, भारत ने जीता है. नाउ डी डैश हाउ कैन यू ईट दैट हॉरिबल स्टफ.
ओके मैम ने बताया है ना, जब डिस्गस्ट मीन्स कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है या फिर बहुत गंदा है, कहीं डर्टी प्लेस है या फिर कोई अच्छा खाना नहीं है, बहुत गंदा खाना है, उसके लिए हम कैसे यू रिएक्ट करते हैं बेटा? सो वी से अग, स्वे डाउन अग, अग हाउ कैन यू ईट दैट हॉरिबल स्टफ? ओके सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. So now let's see the previous homework solution of previous chapter. So students, this is page number 80 and this is exercise 3 which I had given you for your homework, and this is chapter number 20 and chapter name is conjunction. Okay, so as I have told you that conjunction are joining words. Okay beta, conjunction jo hote hai hamare wo joining words bola jata hai unko. Okay. So let's see the solution of this exercise. Fill in the blanks with suitable conjunctions. One has been done for you. So one is already done, beta. Now let's see B. 2-2 make 4. So we will complete this sentence by adding and. 2 and 2 make 4. Do aur do char bante hain. Now C. Keshav has a bat. डैश ए बॉल मीन्स केशव हैज़ अ बैट एंड ए बॉल मीन्स को केशव के पास एक बैट है और एक बॉल. नाउ डी ही इज ओल्ड डैश वीक मीन्स वह बूढ़ा है और वी विल यूज एंड वह बूढ़ा है और कमजोर है. ओके बेटा वीक मीन्स कमजोर. नाउ ई ही इज ओल्ड डैश एक्टिव सो ही इज ओल्ड बट एक्टिव. ओके वो बूढ़ा है लेकिन एक्टिव है. एफ शैल वी वॉक डैश रन शैल वी वॉक और रन. ओके हम चलेंगे या दौड़ेंगे. जी बैन मेड 12 रन्स डैश ही वॉज कॉट एट द विकेट सो वी विल यूज दो. ओके सो बैन ने 12 रन बनाए. दो मीन्स हालांकि बैन ने 12 रन बनाए हालांकि वे कैच पे विकेट दे बैठे. नाउ एच गिव मी टू ड्रिंक और आई शैल डाई ऑफ थर्स्ट मुझे पीने के लिए दे दो या मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा. ओके नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 81. Now this is page number 81, sentence I. Let us go to bed dash it is now late. So let us go to bed as it is now late. Okay. हमें बिस्तर पर जाना है अब देर हो चुकी है. Okay beta. Now J. The room is big but dark. मीन्स रूम बड़ा है लेकिन डार्क है मीन्स अंधेरा है. नाउ के वॉक केयरफुली और यू विल फॉल. ओके ध्यान से चलो या आप गिर जाओगे. एल यू विल गेट द प्राइज डैश यू डिजर्व इट इफ यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट. ओके आपको मीन्स कीमत मिलेगी अगर आप इसके लायक हो. एम वी अराइव्ड डैश यू हैड गोन वी अराइव्ड आफ्टर यू हैड गोन. ओके आपके जाने के बाद हम पहुंचे. नाउ एन आई रैन फास्ट डैश आई मिस्ड द ट्रेन. ओके सो आई रैन फास्ट दो या येट. ओके येट आई मिस्ड द ट्रेन सो मैं तेजी से भागा फिर भी ट्रेन छूट गई. ओके बेटा सो प्लीज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज और प्लीज डू नीडफुल करेक्शन बेटा. ओके नाउ लेट्स सी योर होमवर्क. सो बेटा एक्सरसाइज 4 वी हैड लेफ्ट वन एक्सरसाइज. ओके ऑफ चैप्टर 20 कंजक्शन. सो हमने एक एक्सरसाइज छोड़ दी थी बेटा इन प्रीवियस लेक्चर. सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. ये आज का होमवर्क है आपका. एंड व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज
ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस विद सुटेबल कंजक्शंस। सो आपको यहाँ पे जो आपके सेंटेंसेस हैं, आपके ये जो पेयर्स हैं, आपको इनको ज्वाइन करना है सुटेबल कंजक्शन से। ओके, वन आई विल डू फॉर यू, रेस्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, सो ए, माई मदर इज हेल्दी, शी इज ब्यूटिफुल। सो वी विल राइट द सेंटेंस लाइक दिस, माई मदर is healthy and she is beautiful. She is beautiful. Okay, my mother is healthy and she is beautiful. So मेरी माँ healthy है और वह सुंदर है. Okay बेटा, so in this way you have to complete this exercise. Now let's see next homework. So students, as you have completed your interjection chapter also, so write 5 sentences on any interjection. So आपको बेटा कोई भी 5 sentences लिखने हैं किसी भी interjection के ऊपर. जैसे आप bravo के लिए लिख सकते हो, alas के लिए लिख सकते हो, या फिर हुर्रा के लिए, yippee के लिए, okay, oops के लिए, वाओ के लिए. सो जो भी आपको इंटरजेक्शन अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि इस पे मैं सेंटेंसेस बना सकता हूँ, तो आपको 5 sentences बनाने हैं ऑन एनी इंटरजेक्शन. ओके, सो दिस टू, वन इज एक्सरसाइज 4 ऑफ चैप्टर 20 कंजक्शन, एंड दिस होमवर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक बेटा. ओके, ये होमवर्क आपको नोटबुक में करना है एंड एक्सरसाइज 4 आपको बुक में करनी है. सो दिस टू होमवर्क यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको खुद करने बेटा. So if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.